ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस दिवाली का कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि दिवाली जो है हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइस कि जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है गाइस, हम उसके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं आप सभी के लिए। तो गाइस, ऐसे ही मैंने गाइस दिवाली के लिए भी आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट रेडी है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि आप सभी को ऐसी फोटो को कैसे एडिट करना है। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइज, आप सभी को जो है बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन गाइज, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से जो आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइज, मॉडल का कटआउट मैंने पहले से ही कर रखा है, तो गाइज आप लोग भी कर लेना। देन गाइज, आप जैसे यहाँ पे अपने मॉडल का रखोगे गाइज, कुछ इस टाइप से आपको इतना साइज रख लेना है। एंड गाइज, उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को जो है गाइज आपके मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। तो गाइज, यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। एंड गाइज, उसके बाद इसका जो डुप्लीकेट है उसको हम लेके चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइज, आपको यहाँ से ले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में। आप सभी को कलर्स वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है। इसका अमाउंट आपको जीरो कर देना है। एंड गाइज, इसको मर्ज कर देना है। देन गाइज, आपको इसका नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड गाइज, इसको मर्ज कर देना है। देन गाइज, आपको कलराइज वाला ऑप्शन में जाना है। एंड गाइज, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को गाइज ढूंढना है येलो कलर, ठीक है? तो गाइज, आपको जो येलो कलर आपको गाइज यहाँ पे मिल जाएगा माइनस की तरफ में आप सभी को, ठीक है? तो आप यहाँ से ले लेना अराउंड 50-47 तक का ले लेना, ठीक है? एंड उसको डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे इरेजर टूल में, ठीक है? तो यहाँ से हम चलते हैं इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद इसको आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज जो आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। देन गाइस, आप सबको इसके पीछे एक रिम लाइटर तैयार करनी है, ठीक है गाइस? तो हम इसको फटाफट करते हैं, बाकी आप सबको आगे क्या करना है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पे रिम लाइट अपनी तैयार कर दी है। तो गाइस, अब आप सभी को क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ से गाइस सिंपली आपको जाना है से ब्लेंड वाले ऑप्शन में। ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस, आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रख सकते हो या फिर ओवरले रख सकते हो, ठीक है? तो गाइस, आप लोग ओवरले रखना काफी बेटर लगेगा। देन गाइस, आपको उसका एक डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है गाइस? अगर आपको उसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप एक डुप्लीकेट कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको सेम वैसे ही साइज में रख देना है। एंड गाइस, इतना कर देने के बाद आप सबको सिंपली कर देना है डन। अब गाइस, आप सबको क्या करना है गाइस, आप सबको यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सबको क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करना है। एंड गाइस, आप सबको ये वाला ऑप्शन मिलेगा गाइस यहाँ पे ग्रास का, ठीक है? आपको सिंपली इसको टैप करना है। एंड गाइस, जो इसका साइज आप सबको फुल कर देना है, ठीक है? आप जितना मतलब ग्रास जितने वैसे लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो, ठीक है? जितना आप साइज रखना चाहो तो आप कर लेना। बाकी हम यहाँ पे फटाफट यहाँ पे ग्रास लगाते हैं, बाकी आपको आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सो गाइस, हमने जहाँ पे ग्रास के जो भी मतलब क्या हमें यहाँ पे पेंट करना था हमने, ठीक है, ग्रास बनानी थी जो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब गाइस, आपको आगे का क्या प्रोसेस आप सभी का गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को गाइस यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। अब डन कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से बैक आने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से गाइस यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से आप सभी को लेना है एक PNG, ठीक है, फुल HD का। आपको ये लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे रोटेट करना है। एंड गाइस, रोटेट करने के बाद आप सबको सिंपली अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है इसे, ठीक है? तो हैंड के पास रखने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस यहाँ से जाना है आपको इरेजर टूल में। तो आप सिंपली इरेजर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे गाइस जो हार्डनेस होगी इरेजर की हम फुल कर देंगे। एंड जो गाइस साइज होगा हम इसको यहाँ पे छोटा कर देंगे एंड यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे एंड इसको गाइस यहाँ पे हम फटाफट से इरेज कर लेंगे। तो आप लोगों को भी कुछ स्टेप ऐसे कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस, जहाँ से आप सबको जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस, जो है ये हैप्पी दिवाली का जो PNG गाइस आप सबको सिंपली लेना है। तो हम पहले हैप्पी दिवाली लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो PNG वगैरह बाकी वो भी हम बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करेंगे एंड इसको फुल साइज करेंगे एंड कुछ स्टेप्स ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो देखिए काफ़ी अमेजिंग लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिलहाल डन करते हैं। एंड गाइस, उसके बाद आपसे वो जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस, आपसे भी कोई लेना है PNG, तो हम ऐसे क्या करेंगे, हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करेंगे एंड इसको हम लगाएंगे अपनी फुल जड़ी के ऊपर कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो काफ़ी अमेजिंग लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे। अब गाइस, इसको हम यहाँ पे कर देंगे डन, ठीक है? तो डन कर देंगे। अब गाइस, हमें लेना ब्लर PNG, ठीक है? तो हम इसको ऐड फोटो में जाएंगे एंड ब्लर PNG ले लेंगे एंड ऐसा डन करेंगे। एंड गाइस, जाएंगे ऐसे हम ब्लेंडिंग मोड में, इसको कर देंगे स्क्रीन। अब गाइस, इसको हम कुछ बड़ा करें कुछ स्टेप्स इतना रख के एंड यहाँ पे ऐसे कर देंगे एंड यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस, क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे हम डन।
ठीक है, इतना कर देने के बाद आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आप सभी को लेनी है एक और पीएनजी ये वाली, एंड इसको यहाँ पे करना ऐड। ऐड करने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, गाइस आप सबको यहाँ पे स्क्रॉल करना है फुल स्क्रीन कुछ इस टाइप से, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आप सबको सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस फाइनली जो हमारी फोटो की जो एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो गाइस आप सभी को यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।